अब मौका है कि हम सब लोग मिलके इसको तरक्की की नई शाहरा पर ले जाएं। और जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो सपना है कि पूरे भारत को एक नई तरक्की की तरफ ले जाना, सबका साथ रखकर, सबका विश्वास रखकर, तो उसमें कारगिल पीछे नहीं रहेगा। ये हमारा पूरा एक हमने फैसला लिया हुआ है और देखेंगे आपके जो नया यहाँ अब सिस्टम आने जा रहा है 31 अक्टूबर के बाद, उसमें आप खुद देखेंगे कि तो कारगिल को किस तरीके से तरजीह बुनियादों पर प्रेफरेंस देकर उसको तरक्की के हर शोबे में, उसको कामों के हर शोबे में, डेवलपमेंट के हर एक शोबे में यहाँ पे तरक्की की जाए। सर, यूनियन टेरिटरी आने के बाद जो खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, तो इस पर आपकी उनको हरगिज़ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है 1 नवंबर से, वो लोगों के लिए, भलाई के लिए है, लोगों के फ़ायदे के लिए है। तो उस फायदे से किस तरीके से कोई भी गौरव मुलाजम पीछे रह जाएगा, उन सबको इसमें फ़ायदा है। लिहाजा इस किस्म की हर एक जो कोई वो है, लोगों में शक व शुबात हैं, वो कुछ लोग जानबूझ के शायद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को उन अफवाहों के ऊपर, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।